HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। 2 साल की बच्ची का शरीर धीरे धीरे छिपकली की स्किन की तरह होता जा रहा है। डॉक्टरों के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। उसके स्किन की खाल हर रोज ही थोड़ी थोड़ी उतरती जा रही है, जिसकी वजह से उसे दर्द भी होता है और शरीर के कुछ हिस्सों पर इंफेक्शन भी हो चुका है। बच्ची का नाम शमा है। डॉक्टरों का कहना है कि वो एक बेहद दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है। ये बीमारी 6 लाख लोगों में से एक में पाई जाती है। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि उसकी यह बीमारी जेनेटिक है और माँ बाप से ही नेविगेट होकर बच्चे में आई है। इस बीमारी की वजह से उसकी आँखें भी नहीं खुल पाती हैं। उस बच्ची के भाई बहन भी इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। उनकी स्किन भी छिपकली की तरह ही है। इस बीमारी के चलते उसके बाल भी गायब हो रहे हैं। डॉक्टरों ने इस दुर्लभ बीमारी का नाम लैमेलर इक्थियोसिस दिया। डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी में शरीर में खून का संचार उचित तरीके से नहीं हो पाता है और शरीर में खून की कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। फिलहाल शमा की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है।